अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज के वीडियो अंजीर, जो खुदा की नेमत, जो बेहतरीन फल है, जन्नत का मेवा, उसके ऊपर बातचीत हो रही है हमारी। अंजीर जो ऐसा फल है जिसको सुखा कर भी खाते हैं और पका हुआ भी, जो जब पेड़ से निकलता है ऐसे भी खाते हैं। अल्लाह ताला ने इस फल में सेहत का खजाना रखा है। अंजीर से इंसान को अपनी सेहत के लिए बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि अंजीर जो है हमारे जिस्म के खून को साफ़ करता है, और अंजीर खाने से हमारे जिस्म के जो जिस्मानी खून से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, फोड़े फुंसी वगैरह, ये बीमारियों से हमारी हिफाजत होती है। और जो लोगों को बवासीरी की तकलीफ़ है, पाइल्स की तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ में लोग अगर अंजीर खाएंगे रोज़ शाम में 3 अंजीर सूखे हुए पानी में भिगोकर, उस अंजीर को सुबह नहार मुँह खाना है। खाने से पाइल्स की तकलीफ़ दूर होगी। और शाम में सोते समय खाना खाने के बाद 2 अंजीर खाएंगे, और अंजीर के साथ 2 लौंग, यानी एक अंजीर एक लौंग, यानी 2 अंजीर 2 लौंग खाएंगे, तो उनकी जिस्मानी जो मर्दानी कुव्वत है इसमें इजाफा होगा। और अंजीर खाने का दूसरा और एक तरीका है कि जो बच्चों में, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको भूख नहीं लगना, जिस्म में सुस्ती होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये चीज़ों की जिसको तकलीफ है, इस बच्चों में बोलो बड़ों में बोलो, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए भी अंजीर बहुत अच्छी दवा है। वो लोग क्या करें, सुबह सुबह नार्मो अगर गीला कच्चा अंजीर खाना है, पका हुआ अंजीर जो खाना है, जो सूखा हुआ नहीं, पका हुआ अंजीर पेड़ से निकाला हुआ वो अंजीर खाना है, तो वो अंजीर को आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह नार्मो खाओ और फ्रिज में रखा हो तो फ्रिज में से निकालो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने तक थोड़ा रुको, रुकने के बाद खाओ, ठंडा ठंडा नहीं खाने का। और अगर सूखा हुआ खाना है तो रात में उसको पानी में भिगोने का या दूध में भिगाओ, और सुबह उसको बारीक चबा चबा कर खाओ। अगर डेली 2 अंजीर खाएंगे तो आपकी सेहत में बहुत इजाफा होगा, आपकी सेहत में बहुत तंदुरुस्ती होगी। और अंजीर बाज़ार में आसानी से मिलने वाला फल है, बहुत महंगा फल नहीं है। और आयुर्वेद में भी अंजीर खाने की बहुत सी ताकीद है, खून की कमी दूर हो जाती, जिस्मानी कुव्वत बढ़ती, आँखों की रोशनी बढ़ती। और दोस्तों, अंजीर का जूस बनाकर खा सकते हैं। अंजीर को खाने के साथ अपन जैसे अंजीर के साथ पुदीना खा सकते हैं, और अंजीर के का जूस बनाकर उसका सिरका बनाकर रख सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। अंजीर जो ऐसी अंजीर जो है हमारे डेली खाने में, हमारे जो डेली की जो हमारा रोज खाना है उसके अंदर अंजीर को अगर हम शामिल करेंगे ना, तो हम बीमारी से, बहुत से गर्मी वाली जो भी बीमारियां, उससे हमारी हिफाजत होंगी। क्यों, अंजीर जो है ये ठंडा फल है, हमारे को गर्मी से हमारी हिफाजत करेगा अंजीर। दोस्तों, ऑयली खाना और बे टाइम खाना, टाइम में रात में देर से खाना, और स्मोकिंग करना, और ऐसी बहुत सी जो हमारी बैड हैबिटें हैं, इसकी वजह से हमारे जो बॉडी में जो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो गंदगी जमा होती, खून में गंदगी जमा होती, और बॉडी खून में गंदगी की वजह से अपने स्किन पे फुंसी आ जाती, फोड़े आ जाते, और बालों में रूसी जम जाती, ऐसे जो प्रॉब्लम्स हो जाते, ये प्रॉब्लम की वजह है कि हमारे खून की गंदगी, खून में बैक्टीरिया बढ़ गया, खून में जो सेल्स है उसको वीक हो गए, इसकी वजह से जिस्म में बीमारियों के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते। तो हम अपने डाइट में रोज़ 2 अंजीर रखे कि सूखे हुए अंजीर शाम में लाए, उसको पानी में या दूध में भिगो कर रखे, और सुबह 2 अंजीर खाए, तो जो भी आपकी जो बैड हैबिट की वजह से, या जो कुछ काम के वर्कआउट की वजह से, थकान की वजह से जो हमारे जिस्म में जो हीट पैदा होती, जो खून के अंदर जो हीट पैदा होती, तो वो जो हीट है अंजीर क्या करता, उस हीट को अपने खून को साफ़ करके हीट को ख़त्म कर देता, और खून को एकदम अपने बॉडी के ना फ्रेश कर देता, फ्रेश। तो ये अंजीर जो है, पहले के लोग कैसे थे कि हर सीज़न का हर फ्रूट खाते थे,
अभी हम लोग क्या है, फ्रूट खाने के बजाय क्या करते हैं, मार्केट में जो जूस मिलते हैं तैयार जूस, वो जो केमिकल बना के बनाए हुए जूस रहते हैं वो हम लाते हैं खाते हैं, उसमें फ्लेवर वाले रहते हैं अंजीर की फ्लेवर के, इसके फ्लेवर के, उससे तो दोस्तों नुकसान होता। ताज़े फल खाने चाहिए और ताज़े फल लाकर घर में उसका जूस निकाल कर या उसको काट कर खाना चाहिए। अब दोस्तों जूस से अच्छा तरीका फल को अपने दांतों से कतर कर चबा कर खाने में है, तो उससे अपने जो मुंह में जो मनती है लार जो बोलते हैं, लार लुआब जो बोलते हैं, वो जो फल के जो रस में मिक्स होकर जब पेट में जाता है तो फल हमको ज़्यादा फ़ायदा देता है और ज़्यादा एनर्जी देता है। और दोस्तों हम फल के खिदमत के लिए क्या बोलते लोगों की खिदमत के लिए ये जो हम नुस्खे बेहतरीन जो नुस्खे जो हम YouTube पर डाल रहे हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो, उनके सेहत में इजाफा हो और लोग जो दवा खाने से डॉक्टर की इससे बचे, इसके लिए हम ये सब नुस्खे ला रहे हैं। तो दोस्तों आप इस पर अमल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।